हेलो दोस्तों, नमस्कार गाइस, मेरा नाम है सूरज और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब आप एक नया यूट्यूब चैनल ओपन करते हो गाइस, तो ये आप दिमाग में रखते हो कि कब हमारा 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 घंटा पूरा हो, कब हमारा चैनल चला जाए अंडर रिव्यू में, ठीक है। तो गाइस, आप इतने खुश हो जाते हो कि कुछ ना कुछ गलती कर देते हो मोनेटाइजेशन के समय, ठीक है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको ऐसी कौन सी गलतियां हैं, 3-4 गलतियां दोस्तों है जिनको आपको बिल्कुल नहीं करना है अपने यूट्यूब चैनल पर, उस समय दोस्तों नहीं करना है जब आपका चैनल चला गया हो अंडर रिव्यू में चेकिंग के लिए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दोस्तों हम आप सबको बताएंगे कि ऐसी कौन सी गलती है जिनको नहीं करनी चाहिए। तो गाइस, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, क्यों दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको टैक्स जुड़ी वीडियो मिल जाएगी एंड दोस्तों आगे भी आपको नए नए टॉपिक की वीडियोस मिलती रहेंगे। तो गाइस, बिना कोई देरी किए चलेंगे अपने टॉपिक पर एंड दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि जब आपका यूट्यूब चैनल चला जाए अंडर रिव्यू में चेकिंग के लिए, तो गाइस उस समय आपको अपना वीडियो नहीं देखना है। गाइस, मैं आपको बता दूं कि मैं ये बात गाइस बहुत पहले ही बोल चुका हूं, पर गाइस 2019 में अब इतना सख्त हो गया यूट्यूब कि अगर आप ये सब गलती करते हो तो आपका मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगी, ठीक है। गाइस, पहला गलती ये है कि जब आपका मतलब कि चैनल चला जाए अंडर रिव्यू में, तो गाइस उस टाइम आपको अपना वीडियो नहीं देखना है। आपको गाइस अपना वीडियो नहीं देखना है कि मेरे वीडियोस पे कितना सब्सक्राइब, कितना लाइक, कितना कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर गाइस आपको बहुत देखने का मन करता है तो गाइस आपके पास YT स्टूडियो है, जो गाइस अब चेंज होकर अब VI स्टूडियो में चेंज हो गया, गाइस वो वर्जन चेंज हो गया, तो बहुत ही जल्द दोस्तों वो वर्जन भी आपके पास पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर देखना है तो YT स्टूडियो में देख लीजिए, या दोस्तों अगर आपका मतलब YT स्टूडियो अपडेट हो गया है तो VI स्टूडियो में आप देख सकते हैं। आप गाइस ये पहला गलती नहीं करना, ठीक है। एंड दोस्तों, दूसरा गलती ये है कि जब आपका यूट्यूब चैनल चला जाए अंडर रिव्यू में, तो गाइस आपको किसी कंटेंट को अपने वीडियोस पर उस टाइम अपलोड नहीं करना है। जैसे कि गाइस, मैं आपको बता दूं कि बहुत लोग क्या करते हैं कि दोस्ती यारी में दोस्तों बहुत लोग मतलब कि अपने में शूटिंग वीडियो कर लेते हैं गाइस, एंड दोस्तों खुश होकर वो वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर डाल देते हैं। तो गाइस, आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर दोस्तों आप ये गलती करते हो तो उस टाइम दोस्तों आपका चैनल टर्मिनेट भी हो सकता है। आप गाइस किसी कंटेंट को यूज नहीं करना है गाइस, आपको साफ सुथरा अपना खुद का वीडियो बनाना है एंड दोस्तों उस टाइम आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। एंड दोस्तों, ये था दूसरा गलती जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। गाइस, तीसरा गलती देखिए दोस्तों, तीसरा गलती आपका ये है कि जब आपका यूट्यूब चैनल चला जाएगा अंडर रिव्यू में, तो वहाँ पर दोस्तों हर एक एक चीज़ चेकिंग होता है, अच्छे से रिव्यू करते हैं लोग। जो गाइस, मैं आपको बता दूं कि आप सब लोग जानते हो कि यूट्यूब कोई आदमी नहीं है, यूट्यूब एक मशीन है गाइस। तो उस मशीन में आपका चैनल, आपका जो यूट्यूब चैनल है वो चेक होता है। तो गाइस, अगर गलती रहेगी तो वो दोस्तों तुरंत आपको ईमेल भी कर सकता है, ठीक है। गाइस देखिए, तीसरा गलती ये है कि आपको थंबनेल पर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों आप सब लोग जानते हो कि कोई पहले वीडियो नहीं दिखेगा गाइस, सबसे पहले वो आपका थंबनेल दिखेगा। तो गाइस, जो भी टॉपिक की वीडियो बनाते हो गाइस, वही टॉपिक थंबनेल उसमें रहनी चाहिए। गाइस क्या होता है कि अंदर दोस्त, जैसे कि आपने कोई वीडियो बनाया जिसमें आप दिखा रहे हो कि कोई साइकिल से मतलब कि रेस कर रहा है, एंड दोस्तों थंबनेल पे आपने क्या लगा रखा है कि कार रेसिंग का एक मतलब कि थंबनेल बनाकर आप लगा दिए, ठीक है। तो आपको ऐसा धोखाधड़ी नहीं करना है यूट्यूब के साथ गाइस। 2019 में अब इतना ज़्यादा सख्त हो गया है कि आपकी एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये तीसरा गलती थी दोस्तों, जिसको आपको बिल्कुल नहीं करनी है। एंड दोस्तों, चौथा गलती ये है कि बहुत से यूट्यूबर क्या करते हैं, बहुत से क्रिएटर क्या करते हैं गाइस, कि सॉन्ग DP दोस्तों ये सब यूज करते हैं। गाइस, जैसा कि मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया था कि आपको सॉन्ग एंड DP यूज नहीं करना है, ठीक है। अगर गाइस, जैसे कि आप लोग अपने गूगल मतलब अपने गूगल में जाकर गाइस अपने गूगल में जाकर सर्च करते हो नो कॉपीराइट सॉन्ग, गाइस ये इतना याद रखना कि वो नो कॉपीराइट सॉन्ग कहाँ से आ गई गाइस, उसको तो किसी ने अपलोड किया होगा, किया हो दोस्तों ना। तो आपको मतलब कि कोई भी सॉन्ग यूज नहीं करना है, किसी का DP आपको यूज नहीं करना है। जैसे कि आप के पास TikTok है, आपके पास लाइव एप्लीकेशन है, ऐसे बहुत से तमाम आपके पास एप्लीकेशन है जिसमें फेमस लोग हैं,
तो गाइस आप अपने वीडियो पर व्यूज बढ़ाने के लिए आप उनका मतलब उपयोग करते हो, उनके डीपी का उपयोग करते हो। तो गाइस आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी, जब आपका चैनल चले जाए अंडर रिव्यू में तब ये गलती आपको नहीं करनी गाइस। आप किसी डीपी किसी का म्यूजिक कुछ भी यूज नहीं करना है गाइस। आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने गाइस जो मतलब कि दोस्तों आप मेरा वीडियो देख सकते हो गाइस, सिंपल वीडियो है, मैं दोस्तों सामने खड़ा हूँ आपके, एंड दोस्तों वॉइस मेरा है, सब चीज़ दोस्तों मेरा है। मेरा दोस्तों जो थंबनेल है गाइस, वो थंबनेल पे मैं वही चीज़ लिखता हूँ जो मेरी वीडियो में रहता है। मैं दोस्तों ये नहीं लिखता हूँ कि पैसे कैसे कमाएं, एंड दोस्तों वीडियो में हम बता रहे हैं कि सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं। तो गाइस ये गलती हम नहीं करते, ठीक है? तो ये गलती आप भी मत कीजिए गाइस। थोड़ा सा समझिए, देखिए ये यूट्यूब है गाइस, टिकटॉक नहीं है कि आप जो भी वीडियो डालोगे वो दोस्तों आगे निकल जाएगा गाइस। ये यूट्यूब है, अगर गाइस आप कोई भी मतलब वीडियो यूज करते हो कॉपीराइट, तो आपको तुरंत दोस्तों मैसेज आएगा, तुरंत ईमेल आएगा कि आपने ये कॉपीराइट स्ट्राइक की है। तो गाइस वो ईमेल आपको बताएगा कि इससे आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है। तो आप पहले दोस्तों पहले सतर्क रहिए, पहले दोस्तों सावधान रहिए कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो गाइस ये तीन चार मतलब के ऐसे मदद थे जो गाइस आपको बताना जरूरी था। जो दोस्तों अगर आप न्यू यूट्यूबर हो तो गाइस ये आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो गाइस बस आज इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर पसंद वीडियो आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताना जो आपको न समझ में आई हो। दोस्तों मैं बहुत जल्द दोस्तों संडे Q&A स्टार्ट करने वाला हूँ गाइस, जिसमें हम आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो गाइस बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों।